अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको काले सिया हाथ पांव दूध जैसे गोरे करने की एक जबरदस्त होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि ईद का त्यौहार करीब है इसलिए इसे आप ईद पर भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैंड एंड फुट फाइटिंग होम रेमेडी आपके हाथों पैरों का कालापन खत्म करके उन्हें दूध या सफेद बना देगी। आजमाइश शर्त है। इससे पहले कि मैं आपको इस इंस्टेंट हैंड्स एंड फुट फाइटिंग रेमेडी के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सकें। इस अमेजिंग हैंड्स एंड फुट वाइटनिंग होम रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें और इसमें आप सबसे पहले फेयर एंड लवली क्रीम डालें। फेयर एंड लवली क्रीम का आपने एक चम्मच प्याली में डालना है, एक बड़ा चम्मच डाल दें। फेयर एंड लवली क्रीम आपकी काली रंगत को गोरी बनाती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये आपकी स्किन पर जमी मैल कुचैल का सफाया करेगी, स्किन की दिलकशी भी बढ़ाएगी। और अब आप इसमें डालें लीमू का फ्रेश रस। एक लीमू को दो हिस्सों में काट लें और एक पूरे हिस्से का रस प्याली में निचोड़ दें। ये मैं लीमू का रस प्याली में डाल रही हूं। लीमू सिट्रिक एसिड और वाइटामिन सी का बहुत ही बेहतरीन जरिया है। ये आपके हाथों पैरों को बिल्कुल साफ शफाफ और गोरा चिट्टा बनाएगा, रंगत को बिल्कुल निखार देगा। और अब आप इसमें ऐड करें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। ग्लिसरीन का आपने आधा चम्मच प्याली में डालना है। ये आधा चम्मच ग्लिसरीन में प्याली में डाल रही हूं। ग्लिसरीन के इस्तेमाल से हाथों पैरों की कटी फटी जिल्द बेहतर होगी। इसको यूज करने से हाथों पैरों की स्किन नरम और मुलायम और स्मूथ हो जाती है, स्किन की दिलकशी में भी इजाफा होता है। और अब आप इसमें डालें मिल्क पाउडर यानी खुश्क दूध पाउडर। याद रहे कि आपने टी वाइटनर नहीं लेना, मिल्क पाउडर लेना है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच मिल्क पाउडर प्याली में डाल दें। खुश्क दूध के इस्तेमाल से आपकी जिल्द गोरी और नरम और मुलायम होगी। इसको यूज करने से आपके हाथों पैरों की सांवली रंगत बिल्कुल गोरी चिट्टी हो जाएगी। और अब आप इसमें डालें एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा का खालिस गूदा मौजूद हो तो बेस्ट है, वरना किसी कंपनी का जेल भी यूज किया जा सकता है। आपने ये एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल का प्याली में डालना है। एलोवेरा जेल से आपके हाथों पैरों की दिलकशी और खूबसूरती में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। इससे आपके हाथों पैरों की स्किन की सॉफ्टनेस बढ़ेगी। अगर हाथों पैरों पर काले निशान है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और अब आप चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। याद रहे कि आप जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपको हासिल होगा। इतनी मिक्सिंग करें कि तमाम अज्जा यकजान हो जाएं। सख्त हाथों से आपने ये इस तरह से मिक्सिंग करनी है। और ये देखें कि ये इंस्टेंट हैंड्स एंड फुट वाइटनिंग होम रेमेडी अब तैयार है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूं। इसका तरीका इस्तेमाल मैं अब आपको बताती हूं। आपने करना ये है कि थोड़ा सा ये मिक्सचर लें और अपने हाथों और पैरों पर मलते हुए लगाएं। तकरीबन 5 मिनट तक आप मसाज करते रहें। इस तरह से आपने हल्के हाथों से मसाज करना है 5 मिनट तक। इसके बाद आप ये ज्यादा पेस्ट लें और अपनी स्किन पर इसका लेप कर लें। इस तरह से लेप कर लें, अपनी पूरी स्किन पर इसको फैला दें और फिर 15 से 20 मिनट बाद रगड़ रगड़ कर उतार दें। फिर आप अपने हाथ और पांव सादा पानी से धो लें। आपके हाथ पांव बेहद गोरे चिट्टे हो जाएंगे।
अपने हाथों पैरों की सांवली और काली रंगत से परेशान खवातीन और लड़कियां इस इंस्टेंट वाइटनिंग रेमेडी को हफ्ते में एक बार या किसी त्यौहार या फंक्शन या पार्टी में जाने से पहले जरूर लगाया करें, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।